बच्चों आज हम यूनिट 4 प्रकाश का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, जैसा कि आप जानते हो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन, इसे बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां उदाहरण के लिए कह सकते हैं हम कि जब प्रकाश किरण हवा से पानी में जाती है, जो हवा से पानी आई मतलब कि विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात अपने पास से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वेल लाइट मे ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डिवेट्स इट्स ओन पाथ। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेल लाइट मे ट्रेवल रेयर टू डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर टू डेंसर मीडियम, इट्स मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। सी लाइट मे ट्रेवल रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट्स मूव towards the normal. When light ray travel rear to denser medium, the refracted ray move towards the normal. Again, we will see here when light ray travel denser to rear medium, then after refraction it move above the normal. ये normal से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को यह प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम देखेंगे। पहला नियम यह है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड एट नॉर्मल ऑल द लाइट इन द सेम प्लेन। सी दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल, लाइज ऑन द सेम प्लेन। प्रकाश की आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमको। यही प्रथम नियम है। जब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो सेकेंड लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। जब हम देखते हैं यहां पर कि जो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है दोनों ही एक स्थिरांक है, जैसे कह सकते हैं आपतन कोण की जया का जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। हम इसको इस तरह से बता सकते हैं साइन आई अपॉन आर इक्वल टू म्यू। अब हम आज यहां देखेंगे आज किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के अंदर ये लाइट की रेस किस तरह से बिहेव करती है। सबसे पहले हमने देखा तीन, यहां हमने तीन लिए चीजें लिए, एयर वाटर ग्लास एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं, ये होता है 1.0। एयर का जो अपवर्तनांक होता है 1.0 होता है, और जल वाटर का होता है 1.33 और ग्लास का होता है 1.5। तो आप बताओ सबसे विरल क्या है? सबसे विरल एयर, जो कि सबसे कम है उसका 1.0 है। दूसरा कौन सा है? वाटर, जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, और तीसरा है ग्लास, इसका है 1.5। तो सबसे विरल यहां पर क्या है? एयर है। उससे अधिक सघन क्या हो गया? वाटर। और उससे अधिक सघन क्या हो गया? ग्लास। तो इन तीन सरफेस पर लेकर हमने किस तरह से लाइट की रेस जाती है उससे हम देखेंगे यहां पर, और उसको देखते हैं यहां पर। सबसे पहले हमने देखा एयर टू वाटर, मतलब कि विरल से सघन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने पास से पिछली हो जाती है। यहां हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आ रही है तो नॉर्मल की ओर मूव हो जाती है, टुवर्ड मूव टुवर्ड दी नॉर्मल। वेल लाइट रे ट्रेवल रेयर टू डेंसर इट मूव
सुबॉर्डिनेट हो। अब इसी चीज को हम देखते हैं यहां पर जो इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टिव। ये इंसिडेंट रे हमने बहुत कुछ बताया हुआ है, वो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां हम देखते हैं कि अब दूसरा माध्यम वाटर टू ग्लास लिया है, वाटर टू ग्लास। तो जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है ना हमने आपको, वो बताया 1.33, ग्लास का कितना है 1.5। तो फिर से ये विरल से सघन हो जाती है, ये विरल है और ग्लास क्या है? सघन है। तो जो ये आग वाले यहां पर जो यहां रिफ्रैक्टेड रे है, इसके लिए हमें इंसिडेंट रे का काम करेगा। ये रिफ्रैक्टेड रे यहां पर इंसिडेंट रे का काम करती है और ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है। अब हम जैसे ही देखते हैं यहां पर ये इंसिडेंट रे, अब रिफ्रैक्शन के बाद ये थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अब इसको हम मान लेते हैं R2। पहला रिफ्रैक्शन को हमने R1 माना था, दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया? R2। अब R2 जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब ग्लास टू एयर, अब यहां हम देख रहे हैं ग्लास टू एयर, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका कितना है? 1। तो अभी डेंसर टू रियर हो गया, सघन से विरल, मतलब जो हमारी आपतित किरण है जो और अपवर्तन के पश्चात जो हमारी अपवर्तित किरण है रिफ्रैक्टेड रे, वो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो जो R2 है यहां पर इंसिडेंट रे का काम करता है और ये दोबारा जैसे जाएगा तो रिफ्रैक्शन के पश्चात अपने नॉर्मल से दूर हट जाता है। इसको अब आई से दूर करते हैं। अब हमने तीनों चीजों को दोबारा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, स्नेल्स के लॉ को यूज करते हैं। स्नेल्स का लॉ यूज करा हमने सबसे पहले एयर टू वाटर, ये ए है, एयर टू वाटर, ए यू डब्ल्यू साइन आई अपॉन आर, आर वन हमने देखा यहां पर म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो जो पहला है साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये आर वन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला हो गया एयर टू वाटर साइन आई अपॉन आर वन। अब हम दूसरा देखते हैं वाटर टू ग्लास, डब्ल्यू म्यू जी, वाटर टू ग्लास। अब हम यहां देखते हैं ये वाटर है और ये ग्लास है, ये वाटर और ये ग्लास, तो वाटर म्यू जी। अब वाटर टू ग्लास में हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? आर वन, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है यहां पर इंसिडेंट रे का काम करती है, ये रिफ्रैक्टेड रे यहां पर इंसिडेंट रे का काम करेगी, तो जो साइन आई है यहां पर साइन आर वन आ जाएगा। जैसे हमने देखा फिर से देख लीजिए आप, ये आर वन है, इसके लिए वाटर टू ग्लास के लिए इंसिडेंट रे का काम करती है, तो यहां पे आ गया साइन आर वन अपॉन साइन आर टू, मतलब वाटर टू ग्लास ये आर वन है और ये आर टू है, साइन आर वन अपॉन साइन आर टू। अब हम थर्ड देखते हैं ग्लास टू एयर। अब ग्लास क्या है? टेंसर। एयर क्या है? रेयर। तब डेंसर टू रेयर, तो जो आर टू है यहां पर ये फिर से इंसिडेंट रे का काम करता है, जैसे ही यहां इस पर इंसिडेंट होगा सरफेस पर और ये जब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो हम यहां देख रहे हैं ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर जी यू ए साइन आर टू अपॉन साइन वन, जो यहां आर टू है एंगल ऑफ इंसिडेंट का काम कर रहा है और जो साइन आई है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का काम कर रहा है। अब हम तीनों को इक्वेशन के रूप में लेते हैं, इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1, 2 और 3। नाउ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो हम देखते हैं साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, साइन आर वन से साइन आर वन कैंसिल हो जाएगा, साइन आर टू से साइन आर टू कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास? 1। तो इस सबका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। Thank you.